क्या हो अगर 2G और 3G इंडिया से यहाँ पे खत्म हो जाए? वेल, ऐसी कुछ कहानी यहाँ पे मार्केट में चल रही है। हाल ही में जियो का ये कहना था कि इंडिया से 2G 3G नेटवर्क को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए, जिस कारण से आने वाली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, जैसे ऑब्वियसली 4G 5G तो आ चुका है, लेकिन आने वाले समय में 6G भी तो आने वाला है, उसके ऊपर इंडिया को कैसे मूव करोगे, कैसे उसे डिजिटल यहाँ पर बनाओगे। और उसके बाद एक सवाल आता है, मान लो अगर ये बात मान ली जियो की, तो उसके बाद 2G 3G यूजर्स का क्या होगा? क्योंकि लिटरली बताओ, आज के समय में इंडिया में 300 मिलियन के करीबन 2G और 3G यूजर्स है। यार, ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। और तो और, इसके साथ एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने इसके बारे में मना भी किया। उनका ये कहना है कि 2G 3G को बिल्कुल भी बंद करने की जरूरत नहीं है, कुछ सालों तक अभी भी चलाते रहो, क्योंकि आज के समय में काफी सारे लोग अभी भी 2G का यूज करते हैं। स्पेशली बात करें फीचर फोन के अंदर, आज भी लोग सस्ता फीचर फोन लेते हैं जिसके अंदर 2G का सिम कार्ड यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 4G 5G को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और काफी सारे लोग एक सेकेंडरी फोन भी तो रखना चाहते हैं। लेकिन यहां पर बात की जाए तो आखिर 2G 3G को हटाने की बात क्यों की जा रही है? सिंपल सी बात ये कि यहां पे 2G 3G को आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो रखा है। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि 3G को आए हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 4G भी काफी लंबे समय से इंडिया में, 5G भी बहुत अच्छे तरीके से इंडिया में फैल रहा है, और बस कुछ ही सालों की बात है उसके बाद हम 6G की भी बातें करने लगेंगे। जब हम 6G पर जा रहे हैं तो इतनी पुरानी टेक्नोलॉजीज को रखने का मतलब क्या बनता है? क्योंकि ऑलरेडी 2G और 3G पर अगर आप हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, उसे डिप्लॉय करने की, उसको मेंटेन करने की, वो महंगा भी पड़ता है, स्पीड्स भी इफेक्टिवली नहीं आती। और जियो के बारे में बात करें तो वो इकलौती ऐसी कंपनी यहाँ पे जिसने कभी 2G 3G के ऊपर काम ही नहीं किया। जियो शुरुआत से प्योर 4G नेटवर्क के ऊपर थी और वो कभी 3G के ऊपर गई नहीं, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक सिंपल सी बात होती है कि यहाँ पे अगर आप 2G 3G 4G को डिप्लॉय कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 2G 3G के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी, उसे मेंटेन करना महंगा पड़ेगा। जबकि अगर आप 4G के अंदर डायरेक्टली जंप किया जियो ने, तो वहाँ पर उसे बेनिफिट मिला कि उसे पुरानी टेक्नोलॉजीज का बर्डन लेना पड़ा, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजीज महंगी थी और उसको डिप्लॉय करना महंगा पड़ता था, इसलिए जियो के लिए 4G हमेशा से सस्ता रहा। और इसी कारण से जियो बहुत तेजी से इंडिया का एक नंबर वन प्लेयर बन गया। और खास तौर पे बात यह कि जियो आज के समय में ज्यादा पैसा बनाती है एज कंपेयर टू एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, क्योंकि जियो का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, यानी कि एक यूजर से वो कितना पैसा बनाते हैं वो कम है, लेकिन फिर भी जो जियो वो ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट में रहती है। ये कुछ चीजें जहां से जियो को काफी ज्यादा बेनिफिट मिला। और जियो यहाँ पर सिंपल सी बात है ये भी चाहती है कि यहाँ पे अगर 2G 3G के सब्सक्राइबर अगर खत्म हो जाएंगे ना, तो यार उसके बाद उसके 4G सब्सक्राइबर भी तो यहाँ पे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद लोग जब 4G पे जंप करेंगे, जियो ही इकलौता ऑप्शन बनता है। और आज के समय में जियो एक ऐसी कंपनी यहां पे जो मार्केट में सब्सक्राइबर गेन कर रही है। मतलब अगर हम TRAI की रिपोर्ट्स की बात माने तो जियो अभी भी सब्सक्राइबर गेन करता है सबसे ज्यादा, उसके बाद एयरटेल का नंबर आता है, और वही बात करें वोडाफोन आइडिया और BSNL, वो आज के समय में लूज करते सब्सक्राइबर। और ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि जहां बात करें जियो टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा है, वही BSNL जैसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे है। आज भी BSNL का जो प्राइमरी नेटवर्क है वो 3G के ऊपर चलता है, वो 4G को वो धीरे धीरे डिप्लॉय कर रहे हैं, और इस साल उनका डिप्लॉयमेंट खत्म हो सकता है, और उसके बाद हम बात कर सकते हैं इसके 5G नेटवर्क की। सेम कहानी वोडाफोन आइडिया के साथ है। वोडाफोन आइडिया ने ये बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये लोग यहां पे खत्म कर देंगे अपने 3G को, लेकिन 2G को अभी भी चालू रखेंगे, और उसके साथ ही 4G को अच्छा करेंगे, और अभी तो बहुत दूर की बात है 5G, जिसके बारे में ऑफिशियली इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि ये लोग अपने 5G को रोल आउट यहां पर कब करेंगे अच्छे से। और वही बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल ने भी मेजॉरिटी इंडिया से 3G को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी 2G को यहां पर जिंदा रखा है, क्योंकि अभी भी एयरटेल वोडाफोन आइडिया BSNL के काफी सारे लोग यूजर ऐसे हैं जो आज भी फीचर फोन को यहां पर यूज करते हैं। और जियो जो है वो यहां पर यही चाहता है, वो चाहता है कि जो फीचर फोन वाला मार्केट है ना, वो यहां से वो अपने अंदर कब्जे में ले ले। जियो का प्लान ऐसा है कि हर कोई स्मार्टफोन के ऊपर आ जाए, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 4G स्मार्टफोन यूजर है वो 5G के ऊपर शिफ्ट हो जाए, और कोई आदमी स्मार्टफोन के ऊपर आ ही नहीं सकता तो वो अपने 4G फीचर फोन के ऊपर आ जाए। इसीलिए उसने पिछले साल जियो भारत फोन निकाला था, ₹1000 में 4G फोन निकाला था, जिसके अंदर कुछ एप्स का उसने सपोर्ट दिया था। सिंपल सी बात है कि वो ये चाहता है कि लोग उसकी एप सर्विसेज किसी न किसी स्मार्ट फीचर का यूज करने लगे, इसी वजह से वो मार्केट के अंदर है। और उसे पता है कि जब तक 2G 3G हटेगा नहीं, लोग यहां पे शिफ्ट करेंगे नहीं, और जो 2G के यूजर है वो तो उसका फोन जाके लेंगे नहीं। हालांकि एक बात बता देता हूं, 2G 3G के बारे में यहां पर बात की गई है, लेकिन 2G
3G यहाँ पर कहीं भी जाने नहीं वाला। अभी भी 2G और 3G की सर्विसेज इंडिया में रहेंगी और आने वाले कुछ साल तक रहेंगे, क्योंकि अभी भी मार्केट का बहुत बड़ा चंक ऐसा है। लगभग 300 मिलियन एक छोटा नंबर नहीं होता जिसके इतने सारे यूजर हो। इवन एयरटेल के पास खुद 100 मिलियन के 2G और 3G यूजर्स यहाँ पर है, तो इतने बड़े मार्केट को वो लोग छोड़ना नहीं चाहते। तो यार ये एक चीज यहाँ पर बन के बैठी हुई है, और आप मान नहीं सकते कि जब तक BSNL अच्छे तरीके से 4G और 5G को डिप्लॉय नहीं कर देता, तब तक तो वो 3G को यहाँ पर बंद करने भी नहीं वाले। खैर 3G 2G तो यहाँ पर रहेगा जिंदा आने वाले कुछ सालों तक, लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ पे 4G और 5G के ऊपर आकर कितने लोग और ज्यादा इवॉल्व करते हैं। क्योंकि एक सिंपल सी बात मैंने देखी कि जियो का अगर एक एग्जांपल लो तो उसके पास सबसे ज्यादा 4G के सब्सक्राइबर है। इवन इंडिया के अंदर जियो के पास जो मार्केट शेयर है वो है 39.5% का, उसके बाद एयरटेल, उसके बाद वोडाफोन आइडिया, फिर BSNL का नंबर आता है। ये नंबर उसे और ज्यादा इंक्रीज करना है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे ये काम कर रहे थे। वहीं वोडाफोन आइडिया अभी भी इस चीज का अपोज सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि आज भी उसके पास एग्जिस्टिंग 2G कस्टमर्स हैं और 2G का वो लोग यहाँ पे यूज करते हैं। 3G से तो लोग यहाँ पे 4G के ऊपर चले गए, लेकिन जो फीचर फोन वाले यूजर्स थे वो यहाँ पे अब धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर मैंने नोटिस करी है कि जो 2G का सब्सक्राइबर बेस है वो यहाँ पे स्टक हो गया, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे जो सब्सक्राइबर बेस यहाँ पे बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 4G का और बढ़ रहा है 5G का, और आने वाले सालों में ये चीज और ज्यादा यहाँ पे बेटर होगी। और अगर 2G और 3G यहाँ पर बंद होता है ना, तो उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो पता है कहाँ पड़ेगा? वो पड़ेगा आप लोगों के मोबाइल फोन के रिचार्जेस पे। क्योंकि जब 2G 3G बंद होगा तो उसके बाद सारा कॉम्पिटिशन होगा 4G और 5G के अंदर, जिस कारण से कंपनियां कस्टमर्स को रिटेन और अट्रैक्ट करने के लिए अफोर्डेबल प्लान्स को निकाल सकती हैं, और इसी के साथ ही आपको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। मतलब आप ऐसे समझें कि अगर 2G 3G मार्केट से बिल्कुल खत्म हो गया तो कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम है वो उसका बेटर यूज कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग टावर उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं 4G को डिप्लॉय करने में, 5G को डिप्लॉय करने में, जिस कारण से बेटर सर्विसेज को निकाला जा सकता है और एग्जिस्टिंग नेटवर्क को पहले से ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है, और इसी वजह से यहाँ पे मार्केट में और ज्यादा कॉम्पिटिशन क्रिएट हो सकता है और आपको रिचार्जेस के जो प्लान है वो और ज्यादा अफोर्डेबल रेट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है अगर 2G 3G यहां पर बंद होता है तो। लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो 2G के एग्जिस्टिंग यूजर है वो यहां पे मोबाइल फोन को यूज नहीं कर पाएंगे। अगली चीज यहां पर मैं ऐड कर सकता हूं कि यहां पे 2G 3G को बंद करने के लिए सबसे पहले तो 4G और 5G फोन को और ज्यादा अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। अभी तो जियो भारत फोन जैसी चीज आती है, लेकिन इस टाइप के कॉन्सेप्ट और निकालने पड़ेंगे। 1500 रुपए में 4G फीचर फोन निकालने पड़ेंगे बाकी कंपनीज को भी, तब जाके ये चीज चल पाएगी। और बिल्कुल ही बजट कैटेगरी में भी अगर 4G और 5G फोन्स अगर अवेलेबल हो तो शायद एक बार को लोग मूव ऑन करने का सोच सकते हैं। लेकिन एक काफी बड़ा हर्डल बन के बैठा हुआ है कि मोबाइल फोन्स की अवेलेबिलिटी अभी भी इतने कम प्राइस के अंदर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर होते भी है तो उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा लो होती है। स्पेशली बात करें 5G की, 5G के लिए अभी भी जो मार्क यहां पर टच करके बैठी हुई कंपनी वो है 10,000। 10,000 के नीचे 5G को ला पाना उनके लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। तो खैर ये एक चीज है जो इंडिया के टेलीकॉम इंडस्ट्री में चल रही है। हालांकि ओवरऑल बात करें तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं कि इंडिया से 2G 3G यहां पर गायब हो जाएगा। अभी आने वाले समय में इनिशियली कुछ सालों तक 2G 3G यहां पर रहेगा। 3G का हम लोग यहां पर धीरे धीरे खत्म होते हुए देख सकते हैं, लेकिन 2G अभी भी जिंदा रहने वाला है, और आने वाले 5 से 10 साल के अंदर हम लोग शायद देखेंगे एक ट्रेंड जब इंडिया में 2G का सब्सक्राइबर बेस बहुत कम हो जाए, उसके बाद जो कंपनीज है ये अपने 2G 3G नेटवर्क को यहां पे फेज आउट कर सकती है। लेकिन जब ये सब हो रहा होगा तो एक बात देखनी होगी, शायद तब तक आपको वोडाफोन आइडिया का 5G देखने को मिल जाए, BSNL का 5G देखने को मिल जाए, और उस समय एक और चीज होगी नोटिस करने वाली कि जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल की फाइनल रैंकिंग यहां पर क्या रहती है। क्या जियो उस समय भी टॉप पर बना रहेगा या एयरटेल उसे पीछे छोड़ेगा या वोडाफोन आइडिया कुछ अच्छी चीज करके दिखाएगा, खैर उसके बारे में तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री की न्यूज वगैरह अगर आप मिस नहीं करना चाहते कि क्या क्या चलता रहता है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी बात पे थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।